नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो, मैं हूँ रूहानी। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और भाजपा की तरफ से स्वयं गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे और उनकी तरफ से संकल्प पत्र जो है जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए जारी कर दिया, जिसको लेकर भाजपा के जो नेता है वो काफी ज्यादा उत्साहित है और लगातार ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि यही है जीत का मूल मंत्र। देखिए, मुख्यतः अगर हम कहें तो 25 पॉइंट में इस एक संकल्प पत्र को पूरी तरह से जोड़ा गया है और इन पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर जो है वो ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में पूर्णता पूरी तरह से आतंकवाद और अलगावाद का नाश करना, एक अलग रणनीति जो है इस बार जो है वो भाजपा की तरफ से बनाई जाएगी अगर भाजपा की जम्मू कश्मीर में सरकार आती है। उसके बाद महिलाओं के लिए खास यहाँ पर योजना का बात की गई है, मां सम्मान योजना इस योजना का नाम है, जिसमें सालाना 18,000 रुपए हर घर के सबसे जो वरिष्ठ महिला है उनको जो है देने की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद हम एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करते हैं या फिर उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि हर साल जो है 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जो है देने की बात भाजपा कर रही है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना, यानी कि लगातार बेरोजगारी को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर बातचीत होती रही है और लगातार विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा के कार्यकाल में या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। इसका भी निवारण जो है इसे घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में यहाँ पर दिया गया है। इस निवारण के माध्यम से यहाँ पर यह कहा गया है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना एक इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 लाख नौकरी देने की बात जो है इस बार भाजपा कर रही है। अब इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव या कुछ योजनाएं लाई गई है। प्रगति शिक्षा योजना के माध्यम से कॉलेज छात्रों को 3,000 रुपए प्रति वर्ष जो है यातायात भत्ता, यानी कि ट्रैवल अलाउंस, अगर वो मेट्रोडोर में बस में कहीं से भी ट्रैवल करते हैं तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी साधने की बात यहाँ पर, कॉलेज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 19 साल की उम्र यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर को भी साधने की बात यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस की बात की जा रही है। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो जेकेपीएससी और यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए कुछ यहाँ पर बातें की गई हैं। देखिए, 2 वर्षों के लिए जो 10,000 रुपए की जो कोचिंग फीस है अगर भाजपा सरकार में आती है तो वो कोचिंग फीस जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद परीक्षा केंद्र तक की जो यातायात लागत है यानी कि जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा बढ़ता है वो यहाँ पर भाजपा देने की बात कर रही है। दूर दराज क्षेत्रों के भी लोगों को साधने की बात यहाँ पर भाजपा कर रही है, यानी कि कोई भी वोटर अछूता ना रहे। और यहाँ पर भाजपा ने ये कहा गया है कि देखिये, इनके लिए भी हम लैपटॉप जो है वो जारी करेंगे, यानी कि लैपटॉप देने की बात इनको की गई है, टैबलेट देने की बात की गई है और ये खास बात उन तमाम छात्रों के लिए की गई है जहां पर अभी तक नेटवर्किंग नहीं पहुंची, यानी कि नेटवर्क नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी जो है भाजपा यहां पर लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कर रही है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए कुछ बात यहाँ पर की गई है। देखिए, क्षेत्रीय विकास समितियों का यहाँ पर गठन किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में ढल झील की अगर हम बात करें, कश्मीर क्षेत्र में और कश्मीर घाटी में जो पर्यटन है, उद्योग है, उसका विकास यहाँ पर किया जाना है। श्रीनगर के टट्टू ग्राउंड में मनोरंजन पार्क, यानी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट पार्क जो है वो बनाया जाएगा, जिसको एम्यूजमेंट पार्क भी यहाँ पर कहा जा रहा है। ये स्वयं घोषणा जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है। उसके बाद औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर की जा रही है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करते हुए लगातार जो है गृह मंत्री ने कुछ घोषणाएं जो है वो की है। देखिए, लीज डीड की बात यहाँ पर की जा रही है तमाम व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए नई नीति है लीज डीड के नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन को लेकर और उनकी अगर कोई शिकायत है उसके निवारण को लेकर 7,000 MSME को जो लाभ मिलने वाला है। अटल आवास योजना से जो लोग पहले प्रधानमंत्री आवास योजना होती थी, ध्यान रखिएगा, उसमें लोगों को जो है घर बनाने की आर्थिक सहायता देती थी भारत सरकार, लेकिन अब 5 मरले जमीन पहले यहाँ पर अटल विकास योजना से मिलेगी और घर बनाने का जो खर्चा है वो भी देश की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो खर्चा उठाने वाली है। जमीन भी सरकार देने वाली है और मकान बनाने का खर्चा भी सरकार देने वाली है। इसके बाद गरीब कल्याण के लिए बिजली और पानी के जो बिल्स है, जो बकाया बिल्स है, उसको राहत देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल की योजना, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार हर एक दरवाजे तक पहुंची है कि देखिए, हमें एनर्जी को काफी ज्यादा प्रिजर्व करना है और हमें सनलाइट से ही एनर्जी जो है वो बनानी है और सोलर यहाँ पर पैनल्स की बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत
सौर छत के लिए 10,000 रुपए की सब्सिडी देने की बात जो है यहाँ पर केंद्र सरकार या गृह मंत्री अमित शाह जो है वो स्वयं कर रहे हैं। वृद्धावस्था हो, यानी कि अगर हम कहें ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, विकलांगता, यहाँ पर जो है वो उसकी पेंशन की बात को तिगुना कर दिया गया है। पहले जो था यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था थी, 1,000 रुपए जो प्रतिमाह पेंशन में मिलती थी जो वृद्ध महिलाएं होती थी या बुजुर्ग होते थे, लेकिन अब उसको जो है 3,000 रुपए बढ़ाने की बात जो है यहाँ पर गृह मंत्री कर गए हैं और ये संकल्प पत्र में खास तौर पर बातें जो है वो देखने की मिल रही है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना, इसका डंका पूरे देश में बज रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो है आपको इलाज मिलता है भारत सरकार की तरफ से। बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करवा पाए हैं, वो इस योजना का लाभ जो है वो लेते रहे हैं। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर जो पहले 5 लाख का कवर होता था, अब उसको 2 लाख को और एडिशन कर दिया है, 2 लाख अतिरिक्त कर दिया है, 7 लाख का कवर जो है यहाँ पर करने की बात की गई है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 1,000 नई सीट्स जो है स्टूडेंट्स को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर लाने की बात जो है वो यहाँ पर गृह मंत्री कर गए हैं। प्रधानमंत्री किसान जो योजना है जिसमें कुल राशि जो है पहले 6,000 मिलती थी, लेकिन अब उसको 4,000 को बढ़ा दिया गया और अब उसको जो है 10,000 रुपए करने की बात की गई है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि कृषि गतिविधियों के लिए जो बिजली दर है उसमें 50% की कमी जो है वो बताई यहाँ पर जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण, स्थानांतरण यानी कि उनकी ट्रांसफर, उनकी रिजर्वेशन और नीति में सुधार जो है विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए भी यहाँ पर बात जो है वो कर गए हैं। जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरी और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% जो है वो कोटा मिलने वाला है, यानी कि जो अग्निवीर होंगे 20% जो है उनका यहाँ पर कोटा रहने वाला है, रिजर्व उनके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बताए गए हैं, तो उनके निवारण के लिए अगर उनको कोई शिकायत होती है या उनको कोई सहायता चाहिए होती है उनके लिए जो है व्यवस्था बनाने की बात की गई है। इसके बाद 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें उन क्षेत्रों को जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है जहाँ पर अभी तक जो है सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर नई ग्रामीण सड़कें जो है वो लाने की बात की गई है। उसके बाद हर टनल तेज पहल यानी कि टनल भी होगा और हर तरह से ये योजना जो है उसको अमली जामा पहनाने की बात की गई है अगर भाजपा सरकार में आती है, ये बड़ी बात है। देखिए, मेट्रो को लेकर हमारे जो MP है जुगल किशोर शर्मा, उनसे भी काफी बड़े सवाल जो है वो पूछे गए हैं और जम्मू कश्मीर में मेट्रो की सुविधा जो है वो जल्द शुरू होगी, इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान, 100 हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्माण किया जाएगा, यानी कि वो मंदिर जो कश्मीर में काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं आतंकवाद की जद में आकर, उनको जो है फिर से उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर खास बात ये है, जिस तरह से बंगाल में रोहिंग्या NRC CAS को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है, अवैध रोहिंग्या जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए पहल जो है इसी सरकार से होने वाली है अगर भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। इसके बाद कश्मीरी पंडित, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, इन सबको जो है वो लगातार जो है उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं जो है वो बनाने की बात यहाँ पर गृह मंत्री स्वयं करके गए हैं। श्वेत पत्र प्रकाशित करना, ये भी यहाँ पर बड़ी बात है और यहाँ पर ये लिखा गया है इस तरह के मामलों में तेजी से निपटना और उसके साथ साथ अगर हम कहें आतंकवाद के सभी पीड़ितों की जवाबदेही, यानी कि वाइट पेपर, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति टेरर फंडिंग में लिप्त है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जो भी OGW है जिसने आतंकवाद को पनाह दी है, उनके खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी करना यानी कि उनकी फहरिस्त जारी करना और उन पर जो है कार्रवाई करना, ये भाजपा के घोषणा पत्र में रहने वाला है। इसी के साथ साथ समावेशी विकास के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना, जनगणना की बात यहाँ पर की गई है कि लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहें जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को यहाँ पर छूने की बात की गई है, जहाँ पर रिजर्वेशन की बात आती है तो वाल्मीकि समाज, इन अन्य समाजों की बात की गई और स्वयं गृह मंत्री ये कहकर गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को अब रिजर्वेशन मिली है गुजर बकरवाल में, अब जो है उनको अधिकार मिला है वो छीनने की बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 25 पॉइंट है, इन 25 पॉइंट को लेकर जनता के दरवाजे पर पूरी तरह से दस्तक जो है यहाँ पर देने वाली है भाजपा, और जब जनता के दरवाजे पर भाजपा दस्तक देगी तो उसके बाद लगातार भाजपा के जो समर्थक है वो
और यही पॉइंट्स जो है आपको बताएंगे, इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर डेली वेजेस का जिक्र है या नहीं है, यानी कि एडहॉक बेस्ड। ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, हमने सुना, उन्होंने कहा उनके लिए भी एक नीति बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये मुख्यतः यहाँ पर पॉइंट्स थे जिनकी जानकारी स्वयं गृह मंत्री ने दी। हालांकि इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में अब आगे चुनाव लड़ने हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपनी पार्टी सबको जो है यहाँ पर लगातार जो है टक्कर देने के लिए भाजपा ने आज जो है अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र गृह मंत्री के द्वारा जो है वो जारी किया। आप ये मुझे जम्मू सुहा।